मेरे काफी कजन्स लाहौर में, तो मैं बचपन से जब भी लाहौर गया हूँ हमेशा उनसे एक बैटल होती थी। आपका भाई है फुल कराची और वो है फुल लाहौर। कराची बोलता था कि मेरा खाना बेहतर है, लाहौर बोलता था कि हमारा बेहतर है, और फिर लाहौर ये बोलता था कि भाई मैं सोता नहीं हूँ पूरी रात, सही है, और फिर इसके जवाब में कराची बोलता था कि हेलो ये हमें बता रहे हो। लेकिन फिर जब कराची ये बोलता था कि चाय, चाय तो हमारी बेहतर है, चाय बेटा हमारी चाय का तुम पी रहे हो, चाय का मैं नहीं सुनूंगा कुछ, चाय हमारी बेहतर है, सॉरी सॉरी, चाय का मजाक नहीं हो रहा। चाय के मामले में कराची लाहौर को कुछ बोलने ही नहीं देता था, मतलब फुल फड्डा लड़ाई कर लेता था प्रॉपर। देख लाहौर, चाय का मजाक नहीं हो रहा, प्लीज चाय और हमारा अलग सीन है। जिस तरह शाहरुख खान की मूवी जीरो में अभी एक बात कही गई थी, चाय और हमारा मेल अनोखा है, सही है, वो लहर है हम पानी है। और फिर पता नहीं लाहौर ने बुरा मान लिया इस बात का या क्या हुआ, लेकिन इस बात के बाद लाहौर ने ठान ली कि भाई अब तो मैं कराची को लाहौर से प्यार करवा के ही रहूंगा। तुम लहर हो तो हम किनारा, लहर हम तक आनी है। क्या हाल है ब्रो? 2016 सितंबर, मुझे लाहौर गए हुए जमाने हो चुके थे, और क्योंकि जिंदगी में पढ़ाई चढ़ाई खत्म और प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो चुकी थी, मेरे जहन में भी लाहौर को आए हुए सालों गुजर चुके थे। जहन में आती थी तो बस एक बात, अब जिंदगी में कुछ ऐसा करना है भाई कि हम दुनिया बदल दें। लेकिन ऐसा क्या करें, मतलब काम क्या करें? शुरू शुरू में आपका भाई बहुत कंफ्यूज था कि यार जिंदगी में काम करना क्या है। एक चीज ट्राई करता था लेकिन वो काम नहीं करती थी, तो दूसरी चीज ट्राई करता था लेकिन वो भी काम नहीं करती थी। करते 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 एक टाइम आ गया जब मैं कराची की सड़कों पर लिटरली फुल टेंस्ड और डिप्रेस्ड घूमना शुरू हो गया कि यार आखिर करना क्या है। फिर कभी कभी ये ख्याल आता था कि यार मे बी दिस इज अ साइन फ्रॉम गॉड कि तूने एवी शेवी काम नहीं करना, तूने अपना पैशन फॉलो करना है, वीडियोस। तो अगले 8 महीने हमने लगा दिए कराची में अलग अलग वीडियो बेस्ड जॉब्स में अप्लाई करने के लिए। लेकिन 8 महीने गुजर गए और कहीं से रिप्लाई नहीं आया। यार एक ही ख्वाहिश थी कि यार वीडियोस वगैरह में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन 8 महीने ढूंढने के बाद फाइनली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, लेकिन कराची में नहीं। ओए तू इंजीनियर है? ओ शायद तू इंजीनियर है यार, तुम वाकई इंजीनियर हो? आप इंजीनियर है ना? लाहौर की कंपनी मैंगोबाज में आपका भाई बन गया वीडियो प्रोड्यूसर। ड्रीम जॉब, ड्रीम का काम। नाइस मूव लाहौर, नाइस मूव। लेकिन काम तो भाई कराची से ही करेगा ना? जी हाँ, मैंगोबाज एक लाहौर बेस्ड कंपनी है, लेकिन मेरी जॉब लगी थी उसके कराची के ऑफिस में, जहाँ मैं और मेरे कोवर्कर्स अथर और हसान बिल्कुल कराची बेस्ड वीडियोस बनाते थे। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खेलना पड़ता है। हैदराबाद से सीव्यू तक वॉक करेंगे, क्या कर लोगे? क्या मर रहे हैं? मर रहे हैं? मर रहे हैं? मुझे लगता है कि मर रहे हैं। चलो चलो चलो। मतलब लिटरली इक्का दुक्का बार लाहौर ऑफिस जाने के अलावा हमारा ऑलमोस्ट 99% काम कराची फोकस था, और आपका भाई बड़ा खुश था इस चीज से। मतलब एक तो क्योंकि कराची एक इतना बड़ा शहर है, इतनी कहानियां यहाँ पे बताने के लिए, और दूसरा कि पाकिस्तान के जो टॉप यूट्यूबर्स थे उस वक्त वो ऑलमोस्ट सारे कराची बेस्ड थे। और इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए हमने मैंगोबाज कराची में स्टार्ट किया कीड़ा इनसाइट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सेशन नंबर 2 ऑफ कीड़ा इनसाइट, वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ कीड़ा इनसाइट एपिसोड 8। और आज का हमारा पहला सवाल है अथर को। कीड़ा इनसाइट एक इंटरव्यू / पॉडकास्ट सीरीज जिसमें हम डिजिटल की दुनिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स को बुला के उनसे वाह वाह गप्पे मारा करते थे। My personal favorite. ये actually एक पिक्चर थी, बस उस वक्त उन वो इतने उनको शहूर नहीं था, उन्होंने कहा चलो ठीक है ये अच्छा लगेगा
90s में उन्होंने सोचा कि नहीं ये हाँ ये तुम लोग देखो बैंड हो तुम लोग की मोहब्बत इमेज है। कीड़ा इनसाइड जितनी भी कम या ज्यादा चली हो वो अलग बात है, लेकिन वो सीरीज करने में इतना मजा आता था कि मैं आपको क्या बताऊं यार। ऑन एन एंडिंग नोट, यूथ के बारे में आपका क्या? यूथ को क्या करना चाहिए कुछ भी करने के लिए? यूथ के लिए क्या मैसेज है आपका यूथ? और हमने कीड़ा इनसाइड पे जितने भी गेस्ट को बुलाया है आज तक, आपको पता है सबसे ज्यादा मजा मुझे किस गेस्ट के साथ आया था? वैसे तो वो देखते हैं, प्रॉपर फॉलो करते हैं मुझे। ऐसे नहीं होता, ईद का मौका है, सारा खानदान है, साथ देख रहे हैं, सबकी वीडियोस देख रहे हैं, सबों की वीडियो देख रहा। बड़ा होता है, कोई कोई फैमिली आके मिलती है ना, तो मेरा बेटा, छोटा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है, उनका छोटा बेटा कर बहुत ओवर रहा यार। समो भाई, AWESAMO speaks from Lahore. Well played Lahore, well played यार। मतलब तुमने मुझे किसी ना किसी तरह अपने आप से अटैच करके रखा हुआ है। Well played Lahore। लेकिन तुम्हारे लिए अब आ रहा है एक गेम चेंजर, तो ध्यान से खेलियो बाबा, ध्यान से खेलियो। मैंने MangoBaaz छोड़कर अदर नवीद को फुल टाइम देने का फैसला करा। अब तो भाई अपना पूरा काम, पूरी जिंदगी कराची फोकस्ड ही है। मतलब कभी वैसे जाना हो गया तो हो गया, लेकिन लाहौर अब तुम तीर कौन से चलाओगे? क्या हाल है ब्रो? जिंदगी ने कम्प्लीटली नया मोड़ लिया। क्या हाल है ब्रो? कराची में फुल नेक्स्ट लेवल फोकस काम शुरू हो गया। क्या हाल है ब्रो? सितंबर गुजरा और फिर अक्टूबर गुजरा और फिर नवंबर गुजरा, कोई रहता है, और फिर आया दिसंबर। क्या हाल है ब्रो? भीगा भीगा सा ये दिसंबर है ब्रो, क्योंकि दिसंबर तक मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि यार एक स्टार्टिंग यूट्यूबर के लिए जिंदगी कितनी टफ है। मतलब शुरू में व्यूज वगैरह भी नहीं आते, लेकिन आपने तो फुल टाइम देना है। और दूसरी बात ये कि एक स्टार्टिंग यूट्यूबर सारे ऑफिस से बाहर निकल के मोस्टली अपने कमरे में रहना शुरू हो जाता है, तो इससे एकदम से ऐसा फील होता है कि वो बाकी दुनिया से कट ऑफ हो गया है। कोई नहीं नवीदे, लगे रहो, लगे रहो, फ्रूट मिलेगा इसका, लगे रहो। वो अलग बात है कि अगर थोड़ा इस वक्त गैप वैप मिल जाता तो दिमाग थोड़ा बेहतर हो जाता। गैप चाहिए? गैप मतलब ये नहीं कि मुझे काम नहीं करना, बस किसी तरह थोड़ी देर के लिए दिल बहल जाए। मतलब दिल बहलाना है? हाँ, मतलब थोड़ा सुकून मिल जाता। अच्छा, तो अगर ऐसा करें कि तुम्हारे सारे पुराने बिछड़े हुए यार जो हैं, अगर तुम सब कुछ 5-6 दिन के लिए इकट्ठा हो जाओ तो उससे तुम्हारा दिल बहल जाएगा। गुड आइडिया, हाँ ऑन है। लेकिन कैसे करेंगे? मतलब उनमें से खाली 2-3 ही कराची के अंदर हैं, बाकी सब तो लाहौर में। इस साल मेरा पुराना बिछड़ा हुआ ग्रुप सालों बाद इकट्ठा हुआ है, एंड इट ऑनेस्टली फेल्ट लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। मतलब आई एब्सोल्युटली नीडेड दिस। अब आई कैन पीसफुली गेट बैक टू द स्लो एंड ग्राइंडिंग प्रोसेस ऑफ बीइंग अ नया नया यूट्यूबर। हाय यार लाहौर, काश तू इस सिलसिले में भी कोई जादू चला सकता होता यार। क्या हाल है ब्रो? टेक 3। जो दिल में आ रहा है कह दे। हे गाइस, आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। नवीद भाई बहुत चिकने आदमी है, अगर नवीद भाई लड़की होते ना और मेरे साथ पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके होते तो यहाँ पे वो आपको दिख रहे होते। यकीन नहीं आ रहा मुझे यार। मतलब यहाँ मैं लाहौर में बैठा हुआ हूँ और मैं कोलैबोरेशन कर रहा हूँ AWESAMO के साथ, मतलब द AWESAMO। और ना सिर्फ कोलैबोरेशन, मतलब साथ बैठ के हम गाने शाने बजा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, लाहौर घूम रहे हैं। मतलब यकीन नहीं आ रहा मुझे यार। कमाल कर दिया तूने लाहौर, कमाल। मैंने कुछ नहीं करा ब्रो, ये हमने करा है। हमने?
हमने क्या करा है भाई? लड़ना बंद कर दिया। मेरे पास बहुत गौर करने वाली बात है ये। मतलब सोचा जाए तो हम पूरे दिन किसी ना किसी से लड़ते रहते हैं। मैं तुझसे बेहतर हूँ, तू हमसे कमतर है। हर वक्त किसी ना किसी कंपटीशन में लगे हुए हैं। और इस जीतने हारने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि अगर तो हम इस लड़ाई को साइड पर रख कर दोस्ती के छतरी के नीचे एक हो जाएं और लाहौर बेहतर है, कराची बेहतर है, इन चक्करों को दफा कर कर आगे चलें, तो पता नहीं कहानी कहाँ पहुँच जाए यार। मतलब देखो ना, आज कहानी कहाँ तक पहुँच गई है। आए कराची जिया ले गई है तोरी ये बात, तो आ कर ले यारी, मिला हमसे हाथ। तो इसी तरह हमने लाहौर से पक्की दोस्ती का हाथ मिलाया और फिर ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ अगर हम कराची के हैं, हम लाहौर में मीटअप नहीं कर सकते क्या? लाहौर में मैंने करा अपनी ज़िंदगी का पहला मीटअप, और जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैक्सिमम दो बंदे आ जाएंगे, वहाँ पे भाई तंदूरी चाय अड्डा इन गुलबर्ग मार्केट को हमने भर दिया। ओफ लाहौर, जहाँ एक वक्त मेरे जहन में ये चलता था कि यार हमारा ये बेहतर है, तेरा ये बेहतर है, आज पता है क्या ख्याल आ रहा है? क्यों तू अच्छा लगता है, क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे। तुझमें क्या क्या दिखता है, वक्त मिला तो सोचेंगे। मौसम खुशबू बाद सबा, चांद शफक और तारों में, कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। क्यों तू अच्छा लगता है, वो अलग बात है कि चाय कराची की बेहतर है डेफिनेटली। ओके ओके तखलिया। घुसरेगी इम्तिहान में क्या दाग ही तेरे।